नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है यही तो है सच्चा प्रेम। ये कहानी है रोहन की। रोहन की शादी एक ऐसी औरत से होती है जो बहुत खूबसूरत है। रोहन उसे बहुत प्रेम करता है और हर समय उसकी तारीफ के पुल बांधता रहता है। वो उसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं था, उसकी खूबसूरती की तारीफ। वक्त बीतता गया बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब उसे यानी रोहन की पत्नी को चर्म रोग हो गया। एक ऐसी बीमारी जिससे उसकी चेहरे की खूबसूरती दिन ब दिन कम होने लगी। अब रोहन की पत्नी के मन में ये चिंता रहती थी कि मेरे पति तो मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते और दिन ब दिन मेरा चेहरा अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे प्यार करना बंद कर दें या मुझे छोड़ दें मेरी बदसूरती के कारण। उसे दिन रात यही चिंता सताने लगी। रोहन उसको चेहरे को देख कर उसकी तकलीफ समझ चुका था कि ये दिन रात इसी चिंता में रहती है। वो उसे बहुत समझाता लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये चिंता घर कर गई थी कि मेरे पति का प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा या वो मुझे छोड़ देंगे क्योंकि मेरी खूबसूरती दिन ब दिन अब कम ही होती जाएगी। एक दिन रोहन घर से निकला अपने ऑफिस जाने के लिए पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में था पर उसकी दोनों आंखों की रोशनी जा चुकी थी यानी वो अब कुछ भी देख नहीं सकता था। बस उस दिन से उसकी पत्नी ने ये निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ नहीं सोचना, मेरे पति की दिन रात सेवा करनी है ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो अब दुनिया को देख नहीं सकता। वो सुबह से शाम तक अपने पति की सेवा में लगी रहती, हर चीज़ उसके हाथों में ला ला के देती या यूँ कहिए कि उसकी लाठी बन चुकी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके पति को उसके जीवन में जो कमी आई है यानी वो अपनी आंखें खो चुका है इस बात का एहसास हो। उसने अपने पति की बहुत सेवा करी और इस सेवा करने के पीछे जो उसके दिमाग में जो चिंता थी ना अपनी खूबसूरती को लेकर, वो तो जैसे वो भूल ही गई। अब उसे अपने बदसूरत चेहरे की बिल्कुल चिंता नहीं होती थी, उसे चिंता होती थी सिर्फ अपने पति की कि कहीं उसे भूल से भी यह एहसास ना हो जाए कि उसके जीवन में कमी आ चुकी है। समय बीतता गया, दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम ही नहीं हुआ। कुछ बरस बीते, एक दिन अचानक उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसने अपने पत्नी का क्रिया कर्म किया और उसके बाद उसने निश्चय किया कि अब मैं इस शहर में नहीं रहूँगा, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। उसका बहुत ख़ास दोस्त उसके पास आया और उसने कहा कि रोहन तुम ये शहर छोड़कर जाना चाहते हो पर तुमने सोचा है कि तुम कैसे एक नए शहर में अपनी ज़िंदगी बिताओगे? कल तक भाभी थी, वो तुम्हारी लाठी थी, तुम्हारा सहारा थी, उन्होंने तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम देख नहीं सकते पर अब तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है तो तुम कैसे नए शहर को देखोगे, वहाँ की ज़िंदगी कैसे जियोगे अकेले? रोहन मुस्कुराया और बोला मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम्हें मालूम है मैंने सिर्फ नाटक किया था अंधे होने का। उसके दोस्त ने पूछा क्यों? तो रोहन ने जवाब दिया मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी पर जब से उसे बीमारी ने पकड़ लिया उसकी खूबसूरती दिन ब दिन कम होती गई या यूँ कह लो कि वो बदसूरत होती गई और मैंने इस चिंता को ना दिन रात उसके चेहरे पे देखा था। वो मुझसे नहीं कहती थी लेकिन उसके मन में एक डर था अपने बदसूरत होते हुए चेहरे को लेकर और मैं नहीं चाहता था कि ये चिंता उसको और परेशान करे। इसीलिए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो मैंने सोच लिया कि अब मैं दुनिया के लिए अंधा बन जाऊंगा ताकि मेरी पत्नी को ये एहसास हो कि कल तक मैं अपने पति के लिए जितनी खूबसूरत थी ना आज भी मैं अपने पति के लिए उतनी ही खूबसूरत हूँ क्योंकि ना मैं उसके बदसूरत होते हुए चेहरे को देखूंगा और ना ये चिंता उसे सताएगी। उसे ये लगेगा कि मेरा पति मुझे देख ही नहीं सकता
वो मुझे आज भी उतना ही खूबसूरत समझता है जितनी कि मैं पहले थी, और उसके चेहरे की चिंता दूर हो जाएगी। और ये हुआ भी, मैंने उसके साथ इतने साल बिताए, ना उसने मेरी कमी को देखा ना मैंने उसकी कमी को देखा, और हमारी ज़िंदगी कैसे खुशी खुशी बीतती गई हम दोनों को एहसास भी नहीं हुआ। ये बात सुनकर रोहन के दोस्त की आंखें आंसुओं से भर आईं और वो बोला, यही तो है सच्चा प्रेम जो तुम दोनों एक दूसरे से करते थे। तुमने कभी भाभी को एहसास नहीं होने दिया कि वो अब खूबसूरत नहीं रही। भाभी ने तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम अंधे हो चुके हो या तुम्हारे शरीर में इतनी बड़ी कमी आ चुकी है। सच में प्रेम हो तो तुम दोनों के जैसा। अगर हमारे जीवन साथी में भी कभी कोई कमी नजर आए ना, तो उस कमी को उजागर मत करिए, क्योंकि सच्चा प्रेम सच्चा रिश्ता तो वही है जो एक दूसरे की कमी को उजागर करने के बजाय ना उसे छुपाए। एक दूसरे को एहसास ही ना होने दीजिए कि आपके जीवन साथी के अंदर कोई कमी है या अब वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि हर दम एहसास कराइए कि तुम्हारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। तुम जैसे कल थे या जैसी कल थी बिल्कुल वैसे ही आज हो, और दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।